नहीं ये हालत देख रहे हैं आप किचन की, ऐसा लग रहा है भैया पता नहीं कितने लुटेरे आए थे लूट के चले गए। ये देख रहे हैं वैसे बंदा घबराहट हो जाए देख के, और ऊपर से जब आपको ये गुड न्यूज मिले, ये देखिए बर्तनों की हालत देखिए, जैसे पता नहीं कितनी शादियां थी यहाँ पे रात को, और ऊपर से ये खुशखबरी मिले कि भाई साहब आज मेड भी नहीं आ रही, हाँ जी काम वाली भी नहीं आ रही, तो आप तो सीधा कोमा में जाएंगे ना भाई साहब, चक्कर तो दूर की बात है। इंसान सोचता क्या और हो क्या जाता है यार, इन्हीं वाक्यों से पता लगता है कि भगवान है। जब जब इंसान ने अपनी खोपड़ी ज्यादा लगाने की कोशिश की है ना, वो बड़े प्यार से आते हैं और कहते हैं मैं हूँ तुम। नमस्कार, पहले तो स्वागत है आपका, इट्स अ वेरी अर्ली मॉर्निंग। मेरा हाल देख के आप समझ गए होंगे, ना मैंने कोई ड्राई क्लीनिंग करी है ना कुछ, ये बड़ा ही रॉ व्लॉग होने वाला है। आप सभी का स्वागत है हॉटी एंड द नॉटी में, और आज की मेरी जो पार्टनर इन क्राइम है मिस नॉटी, मेरी वाइफ, आज वो नहीं है। और जब ये सुबह मुझे पता लगा कि आज मेरी छुट्टी होने वाली, वो नहीं है, मैं घर पर अकेला होने वाला हूँ, तो तरह तरह के ख्याली पुलाव। जी हाँ, आप समझ गए होंगे, एक शादीशुदा इंसान की खुशियाँ यही हो जाती हैं कि खैर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सोचा आज अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, बैचलर्स लाइफ जीऊँगा। बट बीवियाँ होती हैं, और जो मैं एक एक करके आपको बात बताने वाला हूँ कैसे मेरी ज़िंदगी पलट गया, आज का दिन ही पलट गया भाई साहब, तो बीवियों को बिल्कुल हल्के में ना लें। और मैं शुरुआत करता हूँ आपको आज अपने घर की हालत दिखाने से, और निकलते ही उसने कैसे मेरी खुशियाँ भंग करी हैं वो भी बताता हूँ। तो मैडम ने, जब मैं खुशियाँ मना ही रहा था उसको भेज के, तो मैडम का मैसेज आता है कि आज काम वाली, जी हाँ, मेड नहीं आएगी, मेड विल नॉट बी कमिंग, इन्जॉय योर बैचलर पार्टी। तो मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ अपने ट्राईपॉड से कि मेरा ट्राईपॉड कैसा है, ताकि सब्सक्राइब करना तो शुरू करें, देखिए किन हालातों में हम वीडियो बना रहे हैं। ये मेरा ट्राईपॉड कैसा लगा। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए ये प्रेस के कपड़े, पूरा घर पूरी शिद्दत से, पूरे अरमानों से, कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसे फैला के गई है कि मुझे ये समेट से समेटते पूरा दिन बीत जाए और मैं कोई ख्याली पुलाव बनाने की जुर्रत ही ना कर सकूं। अब मैं ले चलता हूं अपनी सो कॉल्ड किचन, जिसका मैंने प्रोमो शुरू में भी डाला है, ये किसी भूत बंगले से कम नहीं लग रहा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी को देना हो, जब मैं बीवी को छोड़ के आया और मैं यहाँ पे आया खुशी खुशी कि कुछ बनाता हूँ, तो बन के ही रह गया भाई साहब, पागल ही बन के रह गया। समझ नहीं आ रहा शुरू कहाँ से करूँ, एंड कहाँ से करूँ, ये मुझे लगता है जान के करके गई है। तो ये देख लीजिए, बीवी जब अपने पे आती है, आज वो खुद मज़े नहीं कर सकती, खुद गई हुई है, तो मेरे साथ भी उसने क्या किया। अब मैं आपको ले चलता हूं अपने बेडरूम की तरफ, ऐसा लगता है जैसे कोई राक्षस यहां पर रहा करता था। हालांकि ये तो मेरी ही करनी का नतीजा है, मैं उठा ही ऐसा था, पर फिर भी जब ये सारी चीजें मैं इकट्ठी देख रहा हूं तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है और शौक सा लग रहा है। अचानक से बीवी की अचानक से बहुत याद आ रही है कि जो भी है बहुत प्यार है हम दोनों में, और समझ नहीं आ रहा है सब कुछ कहोगा कैसे, काम वाली वैसे नहीं आ रही। तो ये है जी कुल मिला के, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, बट मैं यही कहना चाहता था कि इंसान सोचता क्या है, और शादी के बाद अगर आप सोचो कि बैचलर्स लाइफ जी लो, मज़े कर लो, तो नहीं हो सकता भैया। और बीवियों को हल्के में ना लें, किसी को काम वाली मिले या उसकी कोई काम वाली एक दिन के लिए काम करने को तैयार, प्लीज़ भेजिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन, आज सोचा एक रॉ व्लॉग बनाऊंगा अर्ली मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, बने रहिए, प्लीज सब्सक्राइब, ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग्स रियल लाइफ डे टू डे लाइफ के बारे में लाते रहेंगे, फैमिली के साथ, डॉटर के साथ, बेबीज के ऊपर, बीट एनी टॉपिक रिलेटेड टू फैमिली, थैंक यू सो मच। अरे तरस का हो भाई, सब तो सब्सक्राइब कर दो।